कोई पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है। रंग बदलने को लेकर भले ही जीव जंतु बदनाम हो, लेकिन नेताओं की टक्कर में दूर तलक कोई नहीं। तभी तो महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दों को सीढ़ी बनाकर सत्ता चढ़ने वाले मंत्री साहब के बोल सुनिए। कोई पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करते। कोफ्त तो छोड़िए, दिमाग का पारा कूदने लगेगा, आशा भी छूट जाएगी कि आगे चलो कुछ अच्छा होगा, यानी कि महंगाई से राहत के नाम पर आपके हाथ सिर्फ नमक ही लगेगा जो जख्मों को और जला दे। अब गरीब लोगों को हमको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराना है, तो उसके लिए हमको बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं करके करना ही पड़ेगा। सुना आपने, हुजूर मध्य प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हैं। 2014 से पहले महंगाई को लेकर खूब गला फाड़ते देखा होगा, लेकिन अब वो तान लगाई है कि सुनकर आम जनता भी भौचक रह जाए। ऐसे अन्य प्रकार की योजनाओं में काम करना ही पड़ेगा। अब गौशालाओं का विषय है, अब गायों को भोजन देना है तो गायों को भोजन देना तो सरकार व्यवस्था करेगी। एक आध पैसे इधर उधर से हम लोगों से लेते लवाते तो वो सब करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कोई पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी है, अफोर्डेबल है और देश के हित में जो होगा वो निर्णय पार्टी करते। जरा एक नजर देखिए कि सिर्फ एक सप्ताह में पेट्रोल ने किस तरह से छलांग मारी है। यह मौका मिला तो विपक्ष ने मंत्री जी को घेर डाला, बेतुका बयान करार देकर मंत्री महोदय को सरकार के नगीने की उपाधि पकड़ा दी। मध्य प्रदेश के मंत्री अजीबोगरीब बयान देने की उनको आदत बन चुकी है, नगीने से कम नहीं है। रोज बेतुके बयान देते हैं, रोज प्रदेश को देशभर में शर्मसार करते हैं और ऐसा लगता है कि शिवराज जी का इन मंत्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया का महंगाई को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें वो जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। वो महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत कोई बड़ी नहीं, अफोर्डेबल है और जनता की कृपा है भाजपा के ऊपर और ये तो देश हित में, क्योंकि हमको कई योजनाओं का लोगों को लाभ देना है। और मंत्री को इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं कि पेट्रोल डीजल की कीमत आज क्या है, ये अफोर्डेबल बता रहे हैं उसको। दरअसल मिलती जीत से लगता है भाजपा बेफिक्र हो चली है, तभी तो जनता की पीड़ा का एहसास तक नहीं। खैर मंत्री जी, सत्ता के आंगन में खड़े होकर अभी खूब कुलाचे मार लीजिए, जनता तो पिसने की आदि हो चुकी है, लेकिन जब पीसने पर आती है तो परिणाम गुरु खुद समझ जाइए। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।